हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एग रोल, और एग रोल हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से। तो ये एकदम हेल्दी रेसिपी है और खाने में तो टेस्टी लगने ही वाले हैं। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कढ़ाई ले ली थी, मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया था, और मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली है। इसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था, तो इन्हें हम हल्का हल्का भून लेते हैं। तो लगभग 1 मिनट भूनने के बाद ये मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया था और इसमें मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो ये देखिए, बस ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है, हल्का हल्का भून लें। तो ये देखिए, प्याज और अदरक भून चुके हैं। इसके बाद मैंने एक छोटे साइज़ की जो है पत्ता गोभी ले ली थी, तो इसे भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, तो इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिला लें। सो फ्रेंड्स, फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, लो फ्लेम पे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना, हम हाई फ्लेम पर ही इन सब्जियों को पकाएंगे। इसके बाद मैंने ये 3 से 4 शिमला मिर्च ले ली थी, इसे भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, तो इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें, और ढक्कन हम कवर बिल्कुल नहीं करेंगे, खुले में ही पकाएंगे और हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे ना, तो सब्जियां एकदम क्रंची क्रंची रहेंगी। तो ये हो चुका है। इसके बाद मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1/2 छोटा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, और इन सभी चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इन्हें भी हम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, और हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि खाने में ये टेस्टी बहुत ही लगने वाला है। तो आप गेहूं के आटे से भी बनाएं, और मैदे के आटे से भी बनाना है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिलिंग रेडी हो चुकी है, नमक हम अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो चलिए डो रेडी कर लेते हैं। तो मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और इसे मिक्स करने के बाद बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका जो है डो रेडी कर लेंगे हम। सो फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मली हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, आपको उसी तरीके से इसका भी आटा जो है गूंथ लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के, और बस इसे इस तरीके से कर हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, फिलिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है, तो अब इसमें हम नमक डालकर और इसे मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ठंडी फिलिंग में ही नमक डालें, क्योंकि आप गर्म में डाल देंगे तो सब्जियाँ जो है पानी छोड़ देंगी, इसलिए ठंडी हो जाने दें फिलिंग, उसके बाद ही इसमें नमक ऐड करें। तो चलिए, ये भी हो गया, तो चलिए एग रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक अंडा ले लिया है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अंडा भी जो है फिट कर रेडी हो चुका है। तो चलिए, हमने जो आटा गूंथ के रखा है हम उसे देख लेते हैं। तो ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं रखे हुए, तो ये एकदम रेडी है। ये इसमें से थोड़ा सा पोर्शन मैं ले लेती हूँ, आपको जितनी बड़ा भी एग रोल बनाना है उस साइज़ का जो है रोटी बेल लें। तो ये देखिए, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे मैं बेल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मली हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से मैंने इसे बेल लिया है, और तवा गरम हो चुका था तो मैंने इसमें इसे डाल दिया है। और ये देखिए, ये हल्का सा सिक गया है, तो इसे पलट दूंगी मैं, और इसमें लगा देंगे हम थोड़ा सा तेल। तो ये देखिए, इस तरीके से तेल लगा दें। अब दूसरी साइड भी पलट कर मैं इसकी दूसरी साइड पर तेल लगा दूंगी। और फ्रेंड्स, फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। तो ये देखिए, अब इसे पलट पलट करके मैं दोनों साइड से जो है पराठे को अच्छे से सेक लेती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप पराठा बनाएं तो हाई फ्लेम पर ही बनाएं। तो ये देखिए, पराठा बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और सेम तवे पे मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल, और जो हमने अंडा फेंट कर रखा हुआ है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम यहाँ आप स्लो कर दीजिएगा। तो ये देखिए, ऑमलेट को हम अच्छे से फैला लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कर दिया इसे। अब जो हमने पराठा बना के रखा है ना, उसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देते हैं। ये देखिए, अब इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसे दबा देंगे। ये देखिए, अब इसे पलट कर भी मैं इस तरीके से प्रेस करते हुए आप इसे दबा के अच्छे से दोनों साइड से जो है सेक लें। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब इसमें लगाएंगे हम फिलिंग, जो हमने फिलिंग बना के रखी है उसे हम अच्छे से इसमें एडजस्ट करके आप लगा दें। ये देखिए, इस तरीके से लगाएं, और इसके बाद हम टोमेटो केचप लगा देंगे इसमें। ये
ये देखिए इस तरीके से लगा दिया मैंने, और इसे कर लेंगे अब हम फोल्ड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। सो फ्रेंड्स, एग रोल बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और गेहूं के आटे से बना है तो बहुत ही हेल्दी भी है। बच्चों को और बड़ों को ये बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।